और अब बात कर लेते हैं पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नया प्रयोग करते हुए जनता से अपना सीएम उम्मीदवार खुद चुनने की अपील की है। उन्होंने फोन नंबर 7074870748 जारी करते हुए जनता से 17 जनवरी तक फोन कर खुद सीएम चुनने का ऐलान किया और उन्होंने एक बार फिर साफ कहा कि वो पंजाब के सीएम पद की रेस में नहीं है। बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, इसे कैसे देखें, ये जो प्रयोग किया है केजरीवाल ने, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या ये पार्टी को सीएम चेहरा दे पाएगा? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल से ही पंजाब के दौरे के ऊपर हैं और कल से ही मोहाली में उन्होंने डेरा भी लगाया हुआ है और आज जिस तरह से उन्होंने सीधे और स्पष्ट कर दिया कि जो नंबर पब्लिश किया गया है कि इस नंबर के ऊपर यदि आप कॉल करोगे तो आपको एक बीप सुनाई देगी और उसके बाद आपको बताना होगा कि कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन उन्होंने वहीं पर यह भी कहा कि पंजाब में किसी के भी नाम के ऊपर मोहर लग सकती है और वो सीधा सीधा उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिनको पंजाबी चाहेंगे। 3 करोड़ पंजाबियों के ये वर्चस्व की लड़ाई है और 3 करोड़ पंजाबी ही मुख्यमंत्री का चेहरे का ऐलान करेंगे और आज तक किसी भी पार्टी ने लोगों से जाके नहीं पूछा कि उनका मुख्यमंत्री किस तरह का होना चाहिए। और वहीं पर उन्होंने साथ में बैठे हुए भगवंत मान को भी माइक पकड़ा दिया और कहा कि मैंने तो कहा था कि भगवंत मान को हम आपका नाम का चेहरे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन भगवंत मान चाहते हैं कि लोगों से आप सुनिए और लोगों को निर्णय करने दीजिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे कुछ दिन पहले ही जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि भगवंत मान के नाम को फाइनल कर दिया गया है, सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है और यही कहा जा सकता है कि ये भी एक औपचारिकता के तौर पर ही और भगवंत मान का लगभग फाइनल हो चुका है नाम और लोगों के ऊपर विश्वास जताते हुए लोगों के पास जाकर और लोगों के बीच में जाकर ऐलान कर दिया जाएगा कि भगवंत मान को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया और भगवंत मान ही लोगों की पसंद हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और नया तरह का ये प्रयोग है। दूसरा ये भी जानना चाहेंगे आपसे विशाल कि ये भी उनसे सवाल पूछा गया किसान समाज मोर्चा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होगा, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से संयुक्त समाज मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के बारे में कहा गया था और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो बलवीर सिंह राजेवाल हैं उनके घर पर आए थे और 60 सीटों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि 10 या 15, क्योंकि ज्यादातर हमने कैंडिडेट दे दिए हैं और जो लोग हैं जो खड़े किए गए हैं वो भी किसानों के बेटे बेटियां हैं और उनको वो 10 से 15 सीटें दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि किसान समाज मोर्चा उनके सामने खड़ा होता है तो जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, बेशक उन्होंने बलवीर सिंह राजेवाल या दूसरे लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनको कानून के दायरे में लाकर वो सजा दिलाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह बदनाम किया जा रहा है, टिकटों की खरीद फरोख्त के ऊपर, ब्लैकमेलिंग के ऊपर बदनाम किया जा रहा है और वो ऐसा किसी भी तरह से होने नहीं देंगे। चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए।